उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुड़बा के कपासी गांव में गुरुवार देर रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार जेसीबी से रौंदकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को कुर्सी रोड स्थित सेंट मैरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया और इलाज के दौरान बुजुर्ग की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक मवेशियों से फसल को बचाने के लिए खेत पर सो रहा था। मृतक के बेटे विवेक रावत के मुताबिक रोजाना की तरह पिता छत्रपाल खेत पर गए हुए थे। आदमी हमारे गाड़ी चढ़ा दी है। किसने चढ़ा दिया? धान बचाव दे रहा है। खुदान वाले तो किसने गाड़ी चढ़ा दिया और कब चढ़ाया? पुलिस ने मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर जेसीबी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी जेसीबी चालक हादसे के बाद से फरार है, लेकिन पुलिस ने जेसीबी मालिक को हिरासत में ले लिया है। जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है कि रात लगभग 2 बजे एक जेसीबी थी जो कि कुलदीप यादव नाम का एक व्यक्ति है, इसकी जेसीबी थी और जिसको रंजीत कुमार नाम का व्यक्ति इस जेसीबी को चला रहा था। इसके द्वारा जब यह सूचना प्राप्त हुई कि कोई आकस्मिक चेकिंग चल रही है, इसमें आनंद फानंद में वो जेसीबी को भगाने लगा, जिससे कि यह हादसा हुआ है। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है। शव को पंचायतनामा भरने पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि लखनऊ में खनन माफियों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में बीती बृहस्पतिवार रात को बीकेटी एसडीएम को अवैध खनन की सूचना मिली थी, लेकिन ये सूचना मानपुर लाला सोरारा और खटैया गांव की थी, जहां एसडीएम बीकेटी की टीम छापा मारने गई थी। हालांकि घटना वाले गांव की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन टीम के पहुंचने की सूचना अवैध खनन माफियों को लग गई, जिसके चलते चालक जेसीबी लेकर भाग रहा था और उस बीच ये घटना हो गई। बहरहाल इस मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकेटी के एसडीएम गोविंदा मौर्या का तबादला कर दिया गया है। लखनऊ से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए पवन पांडे की रिपोर्ट।